अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनेट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा कराने का विकल्प भी खोल दिया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि परीक्षा हर किसी को दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें ही परीक्षा का विकल्प मिला है। कोर्ट ने यह कहा कि ये छात्र या तो दोबारा परीक्षा दे या ग्रेस मार्क्स हटवा कर जितने अंक आए उसी आधार पर काउंसलिंग में बैठ जाएं। ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। अब विरोध कर रहे छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की नाराजगी है कि अभी भी NTA ने धांधली के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया गया। असल में इस पूरे विवाद की एक बड़ी जड़ पेपर लीक से जुड़ी है। ऐसा कहा गया कि समय रहते पहले ही नीट का पेपर लीक हो चुका था। बिहार में इसे लेकर गिरफ्तारियां भी हुई, इसी वजह से छात्र भी NTA और उसकी परीक्षा में विश्वास खो चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा पेपर दोबारा होना चाहिए क्योंकि इस बार विश्वास टूट गया है। विश्वास टूटने के भी छात्रों के अपने कारण हैं। पहला कारण, पहली बार नीट परीक्षा में 67 छात्रों ने टॉप किया। दूसरा कारण, बिना बताए NTA का कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क देना। और तीसरा है पेपर लीक के संदिग्ध सबूतों का मिलना और बिहार की FIR। अब यही तीन कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों में गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अपनी सुनवाई पूरी नहीं की। बात समझ नहीं आई। आज माननीय CGI साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनिट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर CGI साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि हम लोग 8 तारीख से CGI साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उनने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और CGI साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। आज जो जजमेंट आया है वो बेशक रीनीट के ख़िलाफ़ आया है कि स्टूडेंट्स को ई एग्ज़ाम कंडक्ट करने के ख़िलाफ़। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि अगर हम सेग्रीगेट कर सक रहे हैं जो चीटिंग किए हैं जो चीटिंग नहीं किए हैं उनको, तो हम जो है इसके ताल्लुक से जो है रीनीट कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर सेग्रीगेट कर सक रहे हैं तो रीनीट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं तो करेंगे। तो अभी जो CBI ने आज अपना स्टेटमेंट रखा है उसमें एक चीज़ जो CBI ने रखा है कि जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें से हेड जो कॉन्स्पिरेटर है उनको नहीं पकड़ा है, और उसके अलावा जिनको जो भी अक्यूज को पकड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल को जला दिए हैं या समंदर में फेंक दिए हैं, तो किसी पानी में फेंक दिए हैं, तो उनके मोबाइल से किन किन तक पहुंचे हैं वो चीज़ सेग्रीगेट नहीं हो सक रही है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि ये जो है ब्रीच को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा है, यही CBI ने आइडेंटिफाई करके दिया है। उसके अलावा किन तक पहुंचा है ये सेग्रीगेट करने में फेल हुआ है CBI, उसके बावजूद जो है इसको दर्ज नहीं किया गया। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइमिंग ऑफ द जो ब्रीच है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, अगर उसी दिन एग्ज़ाम के दिन होता है तो हम उसको कंसिडर ये करेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रीच नहीं हुआ है। मगर आज जो हमारे सामने बातें आई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो दो किस्म के स्टेटमेंट्स आए।
पहला स्टेटमेंट वही अक्यूज़र्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम अक्यूज़ के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि एक दिन पहले या दो दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है, मगर उसके बाद जो है बाद के जो सेकेंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्जाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एनटीए छुपाना चाह रहा है। काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करते हैं और उनका जो जजमेंट है उनको उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है, अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना, कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि एक गुनाह कर दो तो माफी है उसकी। तो इस समय पेपर लीक और काउंसलिंग वाले मुद्दे पर फैसला नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स को लेकर दोबारा परीक्षा की बात कही गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि सर्वोच्च अदालत ने अभी तक नीट को क्लीन चीट नहीं दी है, सरकार ने कैसे पहले ही सब कुछ भ्रष्टाचार और धांधली मुक्त बता दिया है।